दोस्तों गूगल ने एक बार फिर अपने डूडल पर एक ऐसी हस्ती को जगह दी है जिसे अपने फील्ड में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज गूगल ने अपने डूडल को कन्नड़ भाषा के कवि कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा का डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया है। आज उनका 113वीं जयंती है। गूगल ने कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा 113वीं बर्थडे शीर्षक से अपना डूडल बनाया है। वे कोवेंपु के नाम से भी लिखे जाते थे। उनका जन्म 29 दिसंबर 2004 को मैसूर के कोप्पा तालुक में हुआ था। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबाइए इस घंटे को हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविता, कहानियां, उपन्यास, आलोचना का सृजन किया। वे पहले कन्नड़ लेखक थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, एक्टर डायरेक्टर गिरीश कर्नाड उन पर फिल्म भी बना चुके हैं। कोवेंपु को रामायण के नए सिरे से व्याख्या करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपनी किताब श्री रामायण दर्शन में रामायण को आधुनिक नजरिए से पेश किया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। उन्हें 1988 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। उन्होंने कर्नाटक राज्य गीत जय भारत की रचना भी की थी। अगर उनकी रचनाओं पर फिल्मों की बात करें तो दोस्तों गिरीश कर्नाड ने कन्नड़ में उन पर एक फिल्म बनाई थी। गिरीश कर्नाड ने 1999 में करणु हेग्गादिति फिल्म बनाई थी जो कोवेंपु के नॉवल करणु सुब्बम्मा हेग्गादिति पर आधारित थी। फिल्म की कहानी आजादी से पहले एक परिवार की थी। इस फिल्म ने 2000 में कन्नड़ की बेस्ट पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों की इस उपन्यास में दिलचस्पी बढ़ गई और इसकी 2000 कॉपियां प्रिंट कराई गई। तो दोस्तों आज से गूगल सम्मानित था कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा को जिनकी 113वीं जन्मदिन पर गूगल ने उनका डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि लोगों को भी उनके बारे में पता चलना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये करके दिखाओ ये ये करते